दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों को अपने मोगरे की कलियां दिखा रही हूं, और कल सुबह मोगरा तोड़ते हुए, रोज़ इतने ज़्यादा मोगरा तोड़ने के बाद भी मोगरे के पौधे में कलियों से भरा हुआ है। कल मैंने आपको कलियां दिखाई थी, आज सुबह 5:30 बजे हैं, देखिए फूल कितने फूल खिल गए। इधर देखो फूल ही फूल, रोज सुबह इतने ही फूल खिलते हैं। कलियां देखिए, अब मैं इन फूलों को तोड़ूंगी। मोगरे में जब फूल खिलना बंद हो जाए तो इसकी टोनिंग कर देनी चाहिए, और मार्च के महीने में ही इसकी दोबारा कटिंग कर दी जाए तो नई नई शाखाएं निकलने लगती हैं और गर्मी के सीज़न में अच्छे फूल खिलते हैं। मोगरे में पानी गर्मियों में दोनों टाइम डालना चाहिए, और बीच में एक आध दिन पानी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसान पहुंच जाता है। और सर्दियों में एक टाइम पानी, जब देख लें कि इसकी मिट्टी ऊपर की सूख गई है, इस तरह से उंगली डाल के देखें तब ही पानी डालें। नया प्लांट तैयार करने के लिए प्लांट के किनारे से कटिंग करेंगे। ये दो कलमें जो मैंने काट के रखी हूँ, इसको मैं इस पॉट में लगाऊंगी, सिर्फ अभी एक ही पॉट में लगाऊंगी, अभी पॉट लाना पड़ेगा। मिट्टी गीली है क्योंकि बारिश हो रही है, और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। मोगरे के प्लांट को तेज़ धूप में रखना चाहिए, इसको तेज़ धूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। मैं अपने मोगरों में बनाना पील पाउडर और गोबर के कंडों का फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।